गया है यही कि KGF 3 कब रिलीज होगी। प्रशांत नील ने अपने दर्शकों के लिए पोस्ट क्रेडिट सीन में ये सबसे बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि अगर रॉकी भाई मूवी में मर जाते हैं और पानी में डूब जाते हैं तो KGF 3 कैसे बनेगी। तो आइए हम आपको बताते हैं KGF 3 के बारे में और KGF 3 में होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में। तो KGF 3 की स्टोरी 1978 से 1981 के बीच की होगी, जब रमेश सेन अपने PM बनने की तैयारी कर रही होगी और रॉकी भाई के सितारे अपनी बुलंदियों पे होंगे। KGF 3 की स्टोरी भी बिल्कुल वैसी होने वाली है जैसी बाहुबली 2 की हुई थी। पहले हमें KGF 2 का फ्लैशबैक दिखाया जाएगा, जिसमें हमको ये दिखाया जाएगा कि रॉकी भाई ने कैसे इंडिया के साथ साथ अपना पूरा बिजनेस इंटरनेशनली मिडल ईस्ट और यूरोप में फैलाया, और उसके बाद हो सकता है मूवी को KGF Part 2 के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि KGF 2 में अभी तक रॉकी को मरता हुआ नहीं दिखाया गया है। मूवी के एंड में भी हमें सिर्फ इतना दिखाया गया था कि रॉकी भाई पानी में डूब रहे हैं और उनका सारा सोना भी उनके साथ पानी में डूब रहा है, और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि उन्होंने फैक्स करके CIA और इंडियन पुलिस दोनों को अपने बारे में बता दिया है। हो सकता है ये भी रॉकी भाई का कोई मास्टर प्लान हो, क्योंकि अगर हमको KGF 3 के बारे में टीज किया गया है तो डेफिनेटली KGF रॉकी भाई के बिना अधूरी है। और अगर प्रशांत नील के एक स्टेटमेंट की माने तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि वो KGF 3 के कास्ट में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं लाने वाले। KGF 3 मूवी को सितंबर 2024 से नवंबर 2024 के बीच रिलीज किया जाएगा और इसका पहला टीजर हमको मार्च 2024 में देखने मिलेगा। अगर इसके स्टार कास्ट की बात करें तो KGF 2 का सेम स्टार कास्ट हमको KGF 3 में भी देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट KGF 3 से जुड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।